सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस तरह से एक नदी अपनी बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो खर्च कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। आज का पंचांग 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 10:54 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र रात्रि 10:42 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उनमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुली आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं। आज समय की गति आपके पक्ष में है, कोई मनोवांछित काम पूरा होने से मन में सुकून और खुशी रहेगी। आप अपनी किसी कमजोरी को दूर करने का भी संकल्प लेंगे। विद्यार्थी और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व करियर पर फोकस रहें। जीवन में आ रही अचानक से बदलाव के कारण आपको थोड़ा नकारात्मक और अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार बदलाव लाने के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपका फोकस अपनी बातों से हट रहा है जिसे कायम करने के लिए प्रयत्न करने होंगे। जो भी बातें मन के मुताबिक हो रही है केवल उनमें समाधान न बनाते हुए खुद के लिए बड़े लक्ष्य रखने की आवश्यकता होगी। मीडिया और लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को चिंता सता सकती है, लेकिन काम आपकी अपेक्षा के अनुसार जल्दी ही पूरे होंगे। अपने ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ संवाद कम होने की वजह से रिलेशनशिप से संबंधित चिंता बेकार में ही सताएगी। सेहत में आ रहा बदलाव जानने के लिए अधिक वक्त लग सकता है। सावधानियां, आलस और मौज मस्ती में समय नष्ट ना करें, क्योंकि यह समय अपनी अपेक्षा और योग्यता का भरपूर उपयोग करने का है। ईगो और गुस्से की वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, सिर्फ इस बात का जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और इस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप बहुत आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रही हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी अनिश्चितता को छुपा के रखें, भ्रम की अपनी भावनाओं को छुपा के रखें, अन्यथा लोग आपकी अपेक्षा पर शक करेंगे और आप एक महत्वपूर्ण समझौते से हाथ धो सकती हैं। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका भाग्य ठीक और गतिमान रहे। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप में क्षमता है, लेकिन आप में विश्वास की कमी झलक रही है जिसे दूर करने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आप सामान्य सेहत का ध्यान रखते
हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से लापरवाही बरत रही हैं। आज आपको जबरदस्ती खुद को बिस्तर से बाहर खींचकर व्यायाम में लगाना होगा। आपके लिए भविष्य में काफी कुछ है और आप उसका फायदा केवल तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगी। आज अपना फिटनेस कार्यक्रम घर से शुरू कर सकती हैं। शरीर और मानसिक थकान हावी रहेगी, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आज का उपाय, आज आप किसी गाय को आटे और गुड़ खिलाएं, शुभ रहेगा। रोटी भी खिला सकती हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।